मेलन जो है दुनिया में बहुत ही कदीम फल के तौर पे जाना जाता है। अगर आप मेलन की वैरायटीज की बात करें, इसकी 40 से ज्यादा टाइप दुनिया में इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं। दो बोरियां अगर फास्फोरस आप देते हैं तो चार आपने नाइट्रोजन देनी है और दो आपने फिर पोटाश देनी है। फास्फोरस इज अ मेजर न्यूट्रिएंट फॉर कैप्सूल फॉर्मेशन। अगर हम इसकी अच्छी देखभाल करें, अच्छी संभाल करें तो 700 से लेके 800 बैग निकलता है, तकरीबन 8 लाख 8.5 लाख रुपया बन जाता है। यूरोप है, अमेरिका है, मिडल ईस्ट है, वहाँ ये चीज़ें मकबूल हैं। हमारे जितने भी सैंपल गए हैं हमें अच्छा फीडबैक आ रहा है। सबके लिए पम्बिको ने एक ही मशीन बना दी है, ड्रायर में डालें और इसको अच्छे खूबसूरत पैकिंग में ब्रांड में दें, आपकी पूरी दुनिया क्लाइंट बन सकती है। नाज़रीन, मेलन जो है दुनिया में बहुत ही कदीम फल के तौर पर जाना जाता है, ये तकरीबन 6000 साल पहले तक भी दुनिया में मौजूद था। अगर आप मेलन की वैराइटीज़ की बात करें, इसकी 40 से ज़्यादा टाइप दुनिया में इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं। पाकिस्तान में हमारा जो मनकेरा है, ये हमारा देसी खरबूजे के लिए बहुत ही मशहूर था, लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा इसकी इतनी हाइब्रिड लाइन जिसमें मस्क मेलन है, हनी ड्यूज है, ये पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई और इसने बहुत कमाल पैदावार देनी शुरू की। आज का किसान जो है वो ना सिर्फ इसकी हाइब्रिड लाइंस को लेके बहुत सी पैदावार ले रहा है, इसके साथ साथ वो अपनी इसकी जो है टनल फार्मिंग को लेके भी बेहतरीन पैसा जो है वो कमा रहा है। आज के प्रोग्राम में हम आपको लेके आए समड़ियाल में, बहुत बड़े एरिया में यहाँ पे खरबूजा जो है वो काश्त किया जाता है। कुछ फार्मर से आपकी बात कराएंगे, इसके साथ कुछ एक्सपर्ट से भी बात करेंगे और जानेंगे कि अर्ली क्रॉप लेके हमारा किसान जो है कितने पैसे कमा सकता है। तो आइए चलते हैं। जी, मेरे साथ मौजूद हैं फैसल खान, जो मरे काला सियालकोट के एक बॉटनिस्ट हैं, पढ़े लिखे फार्मर हैं। फैसल साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। फैसल, ये बताइए कि कौन सा खरबूजा आपके इस एरिया में लगाया जा रहा है? ये जब पहले हम इस्तेमाल करते थे बीज, वो देसी खरबूजे का होता था। तो देसी खरबूजा सर, चूँकि ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, नंबर ऑफ़ ह्यूमन बीइंग्स ज़्यादा होने की वजह से इंसानों की तादाद बढ़ गई है, जिसकी वजह से अब वो देसी खरबूजा जो वो मकदार ही इतनी नहीं होती कि इंसानों की ज़रूरत पूरी कर सके। एक तो ये वजह हाइब्रिड के काश्त होने की, और दूसरे नंबर पे हाइब्रिड खरबूजा, ये इसके बड़ी अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं। अपनी मर्ज़ी से हम इसको फर्टिलाइज़र और न्यूट्रिएंट्स देते हैं, अल्टीमेटली वही न्यूट्रिएंट्स जो इसमें मुंतकिल होते हैं जो इंसानों के लिए बड़े अच्छे हैं, इंसानी सेहत के लिए। ख़ास तौर पे ये 15% इसमें शुगर कॉन्टेंट्स हैं, तो दैट इज़ वाई इस वजह से ये भी लोग इसको पसंद करते हैं। वो इतना मीठा नहीं होता था, ये मीठा बहुत ज़्यादा था, 13-15% इसमें सारा होता है, में प्रोडक्शन होती है, इसलिए यही ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इसको किस तरह की इन्वायरमेंट चाहिए होती है, किस तरह की मिट्टी चाहिए होती है? सैंडी सॉइल जो होती है ना, इसके लिए ज़्यादा अच्छी है। वैसे तो ये जो हमारी जो पक्की मैरा जिसको हम कहते हैं, उसमें भी खरबूजा काफ़ी अच्छा होता है। हम जनूबी पंजाब में चले जाएँ, उकाड़ा, दीपालपुर, आगे साहिवाल, चीचा वतनी, आरफ वाला की तरफ भी, ये बड़ी अच्छी पैदावार देता है। लेकिन ये जो हमारा एरिया है समड़ियाल का, ये दरियाबुर्द इलाका है, यहाँ पे सैंडी साइल ज़्यादा है, तो रेतली ज़मीन में ये तरबूज भी और खरबूजा भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आइडियल कंडीशंस कोई भी हाइब्रिड बीज है ना सर, उसके लिए 28 जो टेम्परेचर होता है ना, जर्मिनेशन से लेके उसकी हार्वेस्टिंग तक 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बेहतरीन होता है इसकी पैदावार के लिए, बीमारियों के खिलाफ मज़ाहमत के लिए और इसकी मैक्सिमम प्रोडक्शन देने के लिए। कब काश्त किया जाता है, कौन से महीने में काश्त किया जाता है, और इसकी पनीरी और बीज लगाने का थोड़ा तरीका भी ज़रा फरमा दें। इसकी पनीरी का एक अलहदा प्रोसीजर है, एक हमारे पास इम्पोर्टेड एक बुरादा आता है, वो रिच इन न्यूट्रेंट्स होता है, मतलब इसको मिट्टी कह सकते हैं, वो ट्रेज में इसको लगाते हैं, फिर इसकी जर्मिनेशन होती है, पीट मॉस उसको कहते हैं, उसको उगा के फिर इसको हम खेतों में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसको सर ऑलमोस्ट हम 20 दिसंबर से पनीरी इसकी लगा देते हैं, पीट मॉस के अंदर, ट्रेयों के अंदर। तो अगर बाहर का मौसम ठीक हो, उन दिनों में आपको पता है दिसंबर और जनवरी में काफ़ी ज़्यादा मौसम भी ठीक नहीं होता, सूरज वगैरह नहीं निकलता, अगर सर सूरज अच्छा निकले तो 25 दिन में इसकी पनीरी तैयार हो जाती है। अगर सूरज वगैरह के इशू हों तो सर, चूँकि फिर वो सनलाइट ना होने की वजह से जर्मिनेशन नहीं होती, तो फिर वो 35 से 40 दिन भी लग जाते हैं। रात का टेम्परेचर प्लस दिन का टेम्परेचर डिवाइडेड बाई टू, अगर वो 22 आ गया डिवाइडेड बाई टू करके, तो इट मीन इसको अब शॉपर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 22 से अगर नीचे आ जाए तो फिर अभी इसको रखना चाहिए शॉपर के अंदर। ये सिंपल सा सूला हम फार्मर्स को बता देते हैं, काफ़ी आसानी हो जाए। कब कब कौन कौन सी फर्टिलाइजर दी जाती है? ये बहुत भूखा पौधा होता है, इसको फर्टिलाइजर जितने भी आप ज़्यादा देंगे
उतना ही ज़्यादा इसका प्रोग्रेस आएगी और रिजल्ट आएगा। ये फास्फोरस ख़ास तौर पे जो मेजर न्यूट्रेंट्स हैं जिसको हम मैक्रो न्यूट्रेंट्स कहते हैं, उसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटाश आती है, सल्फ़र और मैग्नीशियम वगैरह। जब ये फ्रूट पे आ जाए तो फिर फास्फोरस ज़्यादा देनी है, चूँकि फास्फोरस इज़ मेजर न्यूट्रेंट्स फॉर कैप्सूल फार्मेशन। जब इसकी कैप्सूल फार्मेशन हो रही होती है तो सबसे ज़्यादा इसको फास्फोरस की ज़रूरत होती है। उसके बाद आ जाती है इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सेल्स की इलॉन्गेशन करती है। उसके बाद सारे इसको आ जाती है पोटाश, पोटाश पौधे में रेजिस्टेंस भी पैदा करती है बीमारियों के खिलाफ, फ्रूट और वार्शन से भी बचाती है और क्वालिटी ऑफ फ्रूट को भी बेहतर करती है, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाती है। तो इसके लिए मतलब सर हम मैंने एक कुलिया बनाया 2, 4 और 2 का, मतलब 2% 2 बोरियाँ अगर फास्फोरस आप देते हैं तो 4 आपने नाइट्रोजन देनी है और 2 आपने फिर पोटाश देनी है। इसी तरह हमारे मुल्क में ये पोटेंशियल मौजूद है लेकिन हम इससे फ़ायदा नहीं ले रहे। इसी तरह सर हमारे मुल्क में ये पोटेंशियल मौजूद है कि हम इसको खुद ब्रीड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि ऐसे लोगों को चुना जाए, कम अज़ कम टेक्नीशियन तैयार हों हमारे पास। वो जो क्वेश्चन आपने किया, अगर वो बात कभी किसी दौर में वैलिड हो जाए तो हम इंडिपेंडेंटली इसको नेक्स्ट ब्रीड कर सके। इसकी पर एकड़ कितनी पैदावार आ रही है इसकी और अभी मार्केट में क्या प्राइस क्या चल रही है? अगर सब कुछ आइडियल हो 400 मन भी तसव्वुर कर लें तो इसको कम अज़ कम मल्टीप्लाई बाई 200,000 से ज़र्ब दे लें तो मेरा ख्याल है ये 8 लाख रुपये की अमाउंट बनती है एक फी एकड़ की। बड़ी अच्छी प्रोडक्शन भी और फार्मर को भी इसमें काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ जी पाकिस्तान जैसे 76 साल हमारे मुल्क की उम्र हो गई है और हमें ऐसे हाइब्रिड लाइनें पाकिस्तान में डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है कि हम जो पैदावार बढ़ा सकें, इसके टेस्ट को बेहतर कर सकें और इसके साथ साथ हम इसको एक्सपोर्ट में भी ले जा सकें। ऐसे ब्रीड पाकिस्तान में बनाना अब मेरा ख्याल है वक्त की बहुत अहमियत है। मेरे साथ मौजूद हैं अमजद अली साहब जो कि डीलर हैं समड़ियाल में, ये इसको सीड को मुख्तलिफ कंपनी से लेते हैं, फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं। आप ये जो सीड है कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, किस कंपनी का है और इसकी कितनी सेल है इस सीड की? कराची सीड स्काटा कंपनी है, उसका ये खरबूजे का बीज है वाइट हनी, ये इधर मैंने काफ़ी यूज़ करवाया है और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। इस इलाके में कम व बेश में 5 साल हो गए हैं ये सीड से यूज़ करवा रहा हूँ, इसका लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलता है, इसकी अच्छी प्रोडक्शन है और मंडियों में इसको अच्छा पसंद किया जाता है। इसका खरबूजे की शाइनिंग अच्छी होती है, वज़न ज़्यादा होता, अच्छा होता है और ये खरबूजा काफ़ी वज़न बनाता है। अब जैसे आप ये जो अच्छा सीड होता है उसकी क्वालिटी होती है, उसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है, मंडियों को लेकर जाना उसको आसान होता है, फिर इसमें जो होता है इसकी मिठास बेहतरीन होती है, इसकी अरोमा खुशबू बहुत अच्छी होती है, इसकी शाइनिंग होती है, पैदावार बेहतरीन देती है, तो क्या ये सारी क्वालिटीज आपके सीड में मौजूद है सारी? ये हम पहले ये चेक करके लेते हैं, फ्रेश बीज होता है और ये अच्छी ग्रीडिंग के साथ ये पैक किया जाता है, इसलिए इसकी प्रोडक्शन अच्छी मिलती है और इसकी जर्मिनेशन अच्छी होती है, इसलिए फार्मर को इसका प्रॉफिट अच्छा मिलता है, मंडियों में इसको पसंद किया जाता है, इसलिए हम ये सीड यूज़ करवाते हैं। तजर्बे 5-6 साल से हमारा ये तजर्बा है। अच्छा सर, ये मुझे बताइए कि आपका ये जो हाइब्रिड सीड है इसकी फी एकड़ कितनी पैदावार आती है और इसमें कितना जो मुनाफा हमारा किसान जो है कमा सकता है? बीज की कमोबेश सलाइज है 1,000 बैग इससे पैदावार हासिल की जा सकती है अगर इसको अच्छी ट्रीटमेंट दी जाए तो। अगर कोई फार्मर इसमें मिसिंग ना करे, टाइम पर स्प्रे करे, टाइम पर इसको पानी लगाए और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अच्छे यूज़ करे तो फिर ये कमोबेश जरा ना 1,000 बैग तक इसकी प्रोडक्शन जाती है। अगर कोई आदमी को मिसिंग कर जाता है, कोई मौसम की मिसिंग हो जाती है, मौसम का टेम्परेचर अप डाउन हो जाता है, वो इस पर बड़ा असरअंदाज होता है और इसको बीमारी आ जाती है, फिर इसकी प्रोडक्शन कम होने के चांस होते हैं। ये जब टंडल का लगाते हैं ना या खरबूजा शापर के नीचे लगाते हैं, ये अर्ली लगाया जाता है, दिसंबर और जनवरी के महीने में लगाया जाता है। जब ये तैयार होता है ना उस वक्त अर्ली तैयार हो जाता है, उस वक्त इसका रेट अच्छा मिलता है, बैग का कम बेश 1500 भी रेट मिल जाता है, 1600, 1700, 1800 तक भी चला जाता है। आस्ता आस्ता इसका रेट मंडियों में जब आम लोग आ जाते हैं ना तो मंडियों में ज़्यादा खरबूजा आना शुरू होता है, उससे उस हिसाब से ही रेट इसका कम होता जाता है, कम होते होते ये 1,000 रुपये तक 900 रुपये तक भी आ जाता है। इसकी अगर औसत
लगाई जाए, कैलकुलेशन की जाए, 1100-1200 बैग बन जाता है अच्छे फसल का, अच्छी ट्रीटमेंट का। अगर कोई बंदा मिसिंग करे तो फिर 700-800 बैग भी ले लेता है। ये देखे ना, इसकी प्रोडक्शन जो पैसों में होती है वो कैलकुलेशन कर लें, 700-800 बैग भी मिल जाए ना, कम से कम 800 बैग हो तो वो औसत वो 1200 हो जाएगा, 1000 रुपया भी मिलता है इस बैग का, 1500 भी मिलता है, 1400 भी मिलता है। इसकी औसत आप कैलकुलेशन कर लें तो 1200 लगा लें तो फिर भी 9-9.5 लाख रुपया बन जाता है। अमजद साहब, ये बताइए कि हमारा एक देसी खरबूजा जिस तरह जो कि बड़ी देर पाकिस्तान में रूल किया, हर जगह पे वही हमारा मनकेरा भी बड़ा इसके लिए फेमस था, तो इस आपके इलाके में ये जो पैदा किया जाता था देसी खरबूजा, तो अगर लोग इसके ऊपर आ रहे हैं तो उसको छोड़ दिया जाए, अभी उसके ऊपर हैं, और वो क्यों इसको लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं इसको? सर, वो पहले इधर काश्त होता था हमारे इलाके में देसी खरबूजा, उसकी प्रोडक्शन बहुत कम आती है, ठीक है, इसके मुकाबले में बहुत ही कम प्रोडक्शन है। वो जहाँ इसका 700-800 बैग मिलता है ना, वो उसका 200-300 बैग मिलता है, इसलिए उसकी प्रॉफिट इतनी ज़्यादा नहीं है। ये इसलिए ज़्यादा लोग लगाते हैं, वो तकरीबन कम लोग लगाते हैं, बहुत ही कम लोग लगाते हैं, 1-2% लोग लगाते हैं, उसकी वो प्रोडक्शन भी नहीं मिलती, उसका फार्मर को इतना प्रॉफिट नहीं मिलता, इसलिए वो नहीं लगाते। तो अभी हम मौजूद हैं मिनहास एग्री फार्म के समड़ियाल में, और मेरे साथ मौजूद हैं शकील अहमद, जिसके ओनर हैं। इनसे हम बात करेंगे कितनी इन्होंने यहाँ पे खरबूजा जो है काश्त किया हुआ है। जी तो शकील भाई, आप बताइए कि आपकी टोटल कितनी लैंड है और आप कितने एकड़ पे खरबूजा काश्त किया हुआ है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 40 एकड़ ज़मीन है, जिसके ऊपर 15 एकड़ पर हमने खरबूजा काश्त किया हुआ है, बाकी पे दूसरी फसलें हैं। तब से इसकी बुनियादी बात सीड ही है, वो हमने कराची सीड इस्तेमाल किया हुआ है, और उसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, साइज़ बहुत अच्छा है खरबूजे का, कलर बहुत अच्छा है उसका। क्या पूरे इलाके में यहाँ पर टनल फार्मिंग ही की जाती है या ओपन भी यहाँ पे फार्मिंग करते हैं? अर्ली काश्त सबसे ज़रूरी है, अगर आपने ज़्यादा मुनाफा ज़्यादा फ़ायदा लेना तो अर्ली काश्त करनी पड़ेगी। आपने दिसंबर में इसकी पनीरी लगानी है, उसके बाद जनवरी में जाके इसको ट्रांसप्लांट करना है, और तकरीबन 3 महीने की फसल है ये, और 3 महीने तक इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है, और उसके बाद ये मार्केट में दूसरे जो ओपन है उनके मतबादल 1 महीना पहले आता है। अगर 1 महीना पहले आता है तो इसका हमें फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा मिलता है, मतलब कि कम से कम 1 एकड़ की 700 से लेकर 800 फी एक पैदावार है बैग, कम से कम, अच्छी अगर उसकी देखभाल करते हैं तो। 1 एकड़ से कितनी पैदावार आती है और क्या प्राइस होती है इसकी? अगर हम इसकी अच्छी देखभाल करें, अच्छी संभाल करें तो 700 से लेकर 800 बैग निकलता है तकरीबन, और अगर 700-800 बैग निकले तो कम से कम शुरू में इसका 1300-1400-1500 तक रेट होता है, आस्ता आस्ता कम भी होता जाए तो 1000-1100 तक आ जाता है, टोटल एवरेज करने के बाद 1200 बनता है, तकरीबन 8-8.5 लाख रुपया बन जाता है। खर्चा भी इसका माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है, 3 लाख रुपया खर्चा भी आ जाता है। देखिए, आपने हमारे किसान की बात सुनी, आपने देखा किस तरह हमारा किसान खरबूजे की अर्ली पैदावार लेके और हाइब्रिडाइज अच्छी नई वराइटी जो लेके, जो मिठास में और कलर में और टेक्सचर में ज़्यादा बेहतर हैं, इससे कितना फ़ायदा वो कमा सकता है। आज की बड़ी स्पेशल बात है कि हम खुद अर्शद साहब की फैक्ट्री में मौजूद हैं, ये पम्बिको इंडस्ट्रीज फैसलाबाद में, तो मेरे साथ मौजूद हैं अर्शद साहब जो कि इसके ओनर हैं। थैंक यू वेरी मच अर्शद साहब, आपने हमें आज अपनी इंडस्ट्री दिखाई है, यहाँ पे आपने हमें इनवाइट किया, और हम आपके रियल में आपकी मशीनें सारी जो है ना वो लोगों को दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, मोस्ट वेलकम, और मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि तारक साहब आप खुद अपने किसान के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए पम्बिको में तशरीफ़ लेके आए हैं। ये जो हम यहाँ मशीनरी बना रहे हैं, ये बेसिकली हमारे क्लाइंट्स की मशीनरी है, हम वहाँ यहाँ उनको मुख्तलिफ ट्रायल्स करके दिखाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, तो ये उसी तरह का एक सेशन है। तो बेसिकली ये प्रोडक्शन का यूनिट नहीं है, लेकिन हम अपने क्लाइंट्स को यहाँ ये चीज़ें ट्रायल करवा के सिखा के भेजते हैं,
कि जब वो अपनी इंडस्ट्री में जाके ये काम करते हैं। मेलन जो है इसकी क्या क्या वैल्यू एड प्रोडक्ट बनती हैं और कौन कौन सी चीज़ें इसकी इस्तेमाल होती हैं जो हमारा आम किसान या हमारे आम कंज्यूमर उसको फेंक भी देते हैं? देखिए, फल तो हमें पता है हमेशा से कि फल अल्लाह की बेहतरीन नेमत है। इसी में हमारा वाटरमेलन भी आता है, इसका टेस्ट हमें बहुत पसंद है। गर्मियों में मेरा ख्याल है कि इससे अच्छा फल कोई और हो नहीं सकता। पानी की कमी है वो दूर करता है, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, ये मैदे के लिए अच्छा है, जिगर के लिए अच्छा है। तो इसको हम चाहते हैं कि महफूज करें और पूरे साल के लिए इस्तेमाल करें। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए इसकी स्लाइसिंग करते हैं, जैसे अभी हमने इसमें स्लाइस करके रखा हुआ है, ये जो स्लाइस करके इसमें रख दिया, स्लाइस करने के बाद इसको हम ड्रायर में लोड करेंगे, ड्रायर में इसका ड्राइंग टेम्परेचर सेट करेंगे और सेट करने के बाद ये हमें प्रोडक्ट इस शक्ल में तरक में मिल जाएगी और ये पूरे एक साल के लिए महफूज है। ये इसका जो टेस्ट है ये 10 गुना बढ़ चुका है खरबूजे। अच्छा, इसमें जब हम प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस के दौरान जो हमारा छिलका है इसको भी हम ड्राई करते हैं, जो बीज निकलते हैं, बीजों को हम इस पल्पर मशीन के ज़रिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी पल्पर मशीन मल्टीपर्पज़ है, तो इसका जो बीज है वो इसमें से हम गुजारेंगे। जब बीज ऐसे आता है तो इसके साथ बहुत सा मवाद लगा होता है जो कि वो भी फूड है, ये अलहदा कलेक्ट हो जाता है, बीज अलहदा कलेक्ट हो जाता है। बीज जब हम कलेक्ट कर लेते हैं तो ये इस फार्म में हमारे पास आ जाता है, ये फिर हम ऐसे भी बेच सकते हैं। इसके लिए हमारे पास मशीनें हैं कि आप इसका छिलका उतार दें तो ये आपका बीज तैयार है। इसको आप ऑयल वाली मशीन में डालें, इसका ऑयल निकालें, तो आपको पता है इन बीजों के तेल में हेल्थ बेनिफिट्स सारी दुनिया जानती है, कोई चीज़ ज़ाया होने वाली नहीं है। जब इसकी हम इंडस्ट्रियल यूज़ में जाते हैं उसमें इसका छिलका भी इस्तेमाल हो रहा है, इसका बीज भी इस्तेमाल हो रहा है और इसके जो बाकायदा फल तो इस्तेमाल हो ही रहा है। अभी मैंने खाया है, इसका बहुत अमेजिंग टेस्ट है, इसकी अरोमा बहुत अच्छी है। अच्छा भाई, ये बताइए कि हमारा किसान इसको बना तो लेता है, इसको बेचेगा कहाँ पे, कैसे बेच सकता है इसको? ये मुख्तलिफ कंपनियाँ हैं वो अपने ब्रांड बनाती हैं, तो जिस तरह अभी ये दो ब्रांड हैं, इसमें एप्पल है, इसमें बनाना है, तो उसकी सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसकी एक्सपायरी डेट, तो ब्रांडिंग करना बड़ा ही आसान है। बिल्कुल ये नेचुरल है, इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, सिर्फ हमने इसको ड्राई किया। तो ब्रांड करके कायदा नाम बना के आप इसके जो इंटरनेशनल मार्केटिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो कंडीशंस हैं, हम वो पूरी करेंगे। जो हाई एंड मार्केट है, यूरोप है, अमेरिका है, मिडल ईस्ट है, वहाँ ये चीज़ें मकबूल हैं। हमारे जितने भी सैंपल गए हैं हमें अच्छा फीडबैक आ रहा है। इसी तरह हमने ये वाटरमेलन किया है, वाटरमेलन का टेस्ट ये इतना ज़बरदस्त है कि जिसने भी खाया है वो कहता है कि इसको हमें फ्रेश खाने की बजाय ड्राई करके खाना चाहिए। अब इसको इसी तरह ब्रांड करें। हमारे पास फलों की तो कोई कमी नहीं है पाकिस्तान में, जैसे हमने कहा कि हमारे पास सैकड़ों फल हैं। ये स्ट्रॉबेरी है और ये आपका जापानी फल है, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू तो फलों की सबकी है। तो जापानी फल के बाद आपका ये ऑरेंज है, ऑरेंज हमारे पास बेतहाशा है, आपको पता है मौसमी है, किन्नू है, फ्रूटर है, फिर आपका ग्रेप फ्रूट है, आपके लेमन है, देसी लेमन है, सारे ये सिट्रस जितनी वैरायटी है ये सारी हम प्रोसेस कर सकते हैं। इसी तरह तारक भाई, ये जो जीवन गार्लिक है, जीवन गार्लिक में प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा आ रही है। अब उसकी जब तक हम वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे, उसकी प्रोडक्ट्स नहीं बनाएंगे, तो इसका हमें सही फायदा नहीं होगा। अभी ये पालक हर खाने में इस्तेमाल हो सकती है, ये मेथी है, तो सबके लिए पम्बिको ने एक ही मशीन बना दिया है। ड्रायर में डालें, आप इस तरह वर्किंग टेबल पे उसकी स्लाइसिंग, कटिंग की मशीनें भी हैं, ये कटिंग करने की लहरा सी मशीन है, आप इसको कटिंग करें, ड्रायर में डालें और इसको अच्छे खूबसूरत पैकिंग में, ब्रांड में दें, तो आपकी पूरी दुनिया क्लाइंट बन सकती है। हमें दिखाएं आपकी मशीनें जो हैं,
मशीन का फंक्शन कैसे होता है, कौन कौन सी मशीन इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका बारी, नाम क्या होता है? ये पल्पर मशीन है। ये मशीन जो है आम, टमाटर, जामुन, इस तरह के जितने भी सॉफ्ट टेक्सचर वाले फल हैं उन सब के लिए ये सूटेबल है। तो आज माल्टिक इसका जो खरबूजे का जो बीज है वो बीज इसमें हम डालते हैं। ये बीज को ये मशीन बिल्कुल साफ सुथरा करके उसके साथ जितनी पल्प लगी हुई है वो सारी निकाल के तो ये हमें लैदा कर देती है, पल्प इसकी लैदा हो जाती है, तो इसमें से हम उसकी सीड लैदा कर सकते हैं। तो ये जो हमने अभी वाटरमेलन को जो ड्राई करना है तो इस मशीन में हम ड्राई करते हैं। ये जिस इस तरह उसको स्लाइस काट के हम मशीन के अंदर रखते हैं, ये इस तरह स्लाइसेस में बना के हम रख देते हैं। इसी तरह हमने ये वाटरमेलन इसके अंदर रखा है तो वाटरमेलन को हम ड्राई कर लेते हैं। तो ये छोटे लेवल पे घर में ख़वातीन ये काम कर सकती हैं। जो हमारे मैट्रिक के बच्चे हैं, हम कहते हैं कि अपने बच्चों को कमाना सिखा दें, ये घर में मशीन लगी हो, हर सीजनल फूड को पकड़ें और ड्राई करें, इस तरह जैसे आपके पास ये पैकिंग है इस पैकिंग में दें, तो कारोबार शुरू करें, उनको कमाना सिखा दें, वो पापा से ना मांगें, खुद कमाएं। तो ये मशीन हर तरह के फल को खुशक करने के लिए, सब्जी को खुशक करने के लिए सूटेबल है। हमारे पास छोटी मशीनें, इंडस्ट्रियल मशीनें, ये छोटी है, इसके बाद 25 ट्रे वाली बड़ी मशीन है, फिर 50 ट्रे वाली, फिर 75 ट्रेज वाली, हमारे पास सारे बड़े ड्रायर जो हैं अपने फार्मर्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी बेहतरीन बात की। देखिए नाज़रीन, मैं समझता हूँ अर्शद साहब ने जिस तरह बात की कि हमारे जो यूथ है, हमारी जो ख़वातीन है, जो फार्मर के जो बच्चे हैं और हमारी इतनी बड़ी यूथ जो फार्मर है, उसके लिए बहुत बेहतरीन आइडिया है कि वैल्यू एडिशन में जाएं। अब जो एग्रीकल्चर का फ्यूचर है वो सिर्फ वैल्यू एडिशन में है, और हमने देखना कि अल्लाह ताला ने इस प्लानट को, हमारे मुल्क को कुदरती वसाइल और एग्रीकल्चरल वसाइल देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। हमारे पास बेहतरीन किस्म के फ्रूट हैं, बेहतरीन किस्म की सब्जियाँ हैं, और इसके साथ साथ हमारे पास देखिए किस तरह इसको वैल्यू एड करने में, इसको वेस्ट को जो है ना बिल्कुल आपने ज़ाया नहीं करना, इसको वेस्ट में नहीं लेके जाना, ये ब्रांडिंग है जिसकी। ये देखें हमने किस तरह खरबूजे का, मेलन का चिप्स बना के इसको इस तरह का ब्रांड बना के हमने बेचना है, अपने फार्म को ब्रांड करना है, अपनी प्रोडक्ट को ब्रांड करना है, और हमने अपने मुल्क के लिए ज़रिए मुबादला कमाना है। उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में जो मालूमात हमने आपको दी हैं वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित हुई होंगे। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में नई मालूमात के साथ। अपने होस्ट तारक तवीर और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान पर।